Welcome to the future. एरे के फंक्शंस कौन कौन से हैं? हमने पढ़ लिया एरे पुश, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक होता है एरे पॉप होता है। ये क्या होता है? इसके अंदर आपको जब एरे के अंदर से लास्ट वाला एलिमेंट क्या करना हो, डिलीट करना हो, तो आप क्या करोगे? एरे पॉप का यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो एरे बनी हुई है, कौन सी बनी हुई है? ऊपर एक एरे बनी हुई थी, चलो मैं यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल एरे बना लेता हूँ। डॉलर का साइन, और यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की इन्फो हमारे पास स्टोर हुई हुई है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए, ये हमारे पास क्या हो गई? एक एरे हो गई। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर से कोई डेटा को, किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हम एक न्यू एरे बनाएंगे और इक्वल्स टू एरे पॉप लिखेंगे, इसका जो फंक्शन है, और एसटीडी इन्फो। अब क्या होगा? लास्ट वाला इंडेक्स नंबर जो है ना, उसका वो वहाँ से एक एलिमेंट चला जाएगा, वो वाला एलिमेंट गायब हो जाएगा। इको करेंगे, देखते हैं जरा क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। रन करने के लिए क्या करेंगे? अपाची और MySQL को स्टार्ट करेंगे। अपाची क्या होता है? लोकल सर्वर होता है, लोकल होस्ट होता है, जो कि आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए नीड होती है ना सर्वर की, तो उसके लिए हम अपाची का यूज करते हैं। और MySQL डेटाबेस के लिए, तो यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा, गलती से एंटर दब गया। लोकल होस्ट स्लैश, फोल्डर का नाम क्या है? वेब ऐप स्लैश इंडेक्स डॉट php, एंटर। माशाल्लाह, ये कहाँ चला गया? लोकल होस्ट की स्पेलिंग गलत है, जबरदस्त। अब सही है, अब देख लेते हैं। आ गया क्या? आ गया मेरे पास ताहा, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट क्या था? ताहा था, ठीक है भाई, ताहा। तो जो डिलीट करता है वही तो रिटर्न करता है, वही तो मिलेगा, जो डिलीट हुआ वही मिलेगा, ठीक है। मतलब के ये वाला जो मेरे पास एलिमेंट है, इसको इसने हटा दिया यहाँ से, और यही मेरे पास इस एरे के अंदर आ गया, स्टोर हो गया, कि ये वाला एलिमेंट क्या हुआ आपका? यहाँ से हट चुका है, सही है। एसटीडी इन्फो को भी प्रिंट कर लेते हैं, सॉरी, क्योंकि ये तो हमारे पास एरे है ना, तो एरे को प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे? डिबग करने के लिए क्या करते हैं एरे को? अभी एरर क्या दे रहा है? प्रिंट आर करेंगे, क्योंकि एरर बोल रहा है कि एरे को आप स्ट्रिंग की तरह प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप क्या करो, आप इसको प्रिंट आर करके प्रिंट करो, या फिर दूसरा एक और मेथड बताया था, कौन सा बताया था? लूप तो तरीका कार है ना उसको प्रिंट करने का। देखो तहा चला गया लास्ट से, भाई वार्डम बताया था ना, वार्डम क्या करता है? देखो दो डिबगिंग हमारे पास मेथड्स हैं, एक हमारे पास कौन सा है? प्रिंट आर है, जो कि एरे को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, डिबग करने के लिए, कि एरे किस तरीके से आ रही है हमारे पास, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या वैल्यूज हैं। इसके अलावा एक होता है हमारे पास वार्डम, ये आपके पास एरे हो और इसके अलावा वेरिएबल हो, कुछ भी हो, उसको प्रिंट करने के लिए यूज होगा। ये आपको बताएगा क्या चीज़, br लगा देते हैं पहले सब जगह, कॉनकैटिनेट का साइन लगा दिया, br, इसी तरह यहाँ से उठाते हैं
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अभी भी कुछ रह गया? पी आर सब जगह तो लगाया। तो ये हमारे पास किसका रिजल्ट है? बारडम का। और ये हमारे पास किसका रिजल्ट है? प्रिंट आर का।